एवरीवन, हिलो ऑफ द एजेस 7174 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और फिकर्स फेयर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आने वाले फ्यूचर में आप लोग के साथ होने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ। सो वो यहाँ पे देखेंगे, दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सेलेनाइट का स्फीयर, ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्फीयर। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी स्फेयर से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप लोग पूजा सामग्री रिलेटेड चीज़ें परचेज करना चाहते हो, जैसे कि रुद्राक्ष जाप माला हो गई, या वैजंती माला हो गई, या फिर एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक तुलसी माला हो गई, तो आप लोग डेफिनेटली वो परचेज़ कर सकते हो ना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप मथुरा से हो तो क्या आप हमें भेज सकते हो, तो मैं इस तरीके से चीज़ें कर रही थी लेकिन इतना सारा कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने एक दूसरा इंस्टाग्राम पे जो चैनल है, एक पेज जो है वो अभी स्टार्ट किया है, आप लोग चाहें तो उस पर विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड वहाँ पर हम लोग कस्टमाइज़ भी कर रहे हैं। अगर आप इनकेस रुद्राक्ष ब्रेसलेट अपने लिए वेयर करना चाहते हो, आप माला नहीं वेयर कर सकते हो, या वैजंती माला का ब्रेसलेट आप वेयर करना चाहते हो, तो डेफिनेट आप लोग कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम ओरिजिनल हैं, मैं अपनी देख रेख में ही उनको बनवा रही हूँ और आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक बार ही चैनल पे विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ब्रिजवासी पूजा सामग्री केंद्र के नाम से। ओके, सो अभी रीडिंग की बात कर लेते हैं एंड ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रहे गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने सेलेनाइट का स्फीयर चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या कुछ होकर रहेगा, किस तरह की गाइडेंस है, एडवाइस है, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं फ्यूचर में आप लोगों के साथ। सो ये स्फीयर को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स ऑफ वॉन्स, भाई आप लोग की तो जैसे किस्मत में है कि नेम फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी, बहुत कुछ जैसे अपनी लाइफ में ना अचीव करोगे, कहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, तो वैसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज है यहाँ पे, लेकिन जो भी कुछ अचीव करोगे ना वो वहाँ पे कहीं ना आप लोगों के अंदर फायर होनी बहुत ज़रूरी है भाई। ऑप्शन फर्स्ट, मैं बताती हूँ सारी चीज़ें, कार्ड्स निकाल लूँ पहले। द सन, सिक्स ऑफ सोच, फाइव ऑफ सोच, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोच, द हैंग्ड मैन, जजमेंट। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आप लोग को ऐसा लगता होगा ज़िंदगी में खुशियां हैं भी हैं या फिर नहीं है, कुछ अच्छा भी होगा या नहीं होगा, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलती रहेंगी। और जैसे मैंने सक्सेस वाली बात भी कही ना, तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ ऑप्शन फर्स्ट कि ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी, यहाँ पर दी हेरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पर दी सन की एनर्जी, जैसे ईश्वर ने, भगवान जी ने ना आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है भाई, बहुत कुछ आप लोगों ने करना है। लेकिन आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी मुश्किल आई ना, वो भी एक रीज़न से आई, वो भी किसी ना किसी वजह से आई। वहाँ पे आपकी लर्निंग्स थी, वहाँ पे आपने कुछ सीखना था, वहाँ पे आपने कुछ समझना था, उस
यू नो उस सफरिंग से गुजरे हो ना, तब भी ये सक्सेस आप लोग को मिलेगी, और ये भी तब मिलेगी जब आप अपने ऊपर खुद विश्वास रखना सीखोगे, जब आप एक्शन लेना सीखोगे, जब आप आपके अंदर के जो फोबियाज हैं, जो डर हैं, जब आप उनके ऊपर काम करोगे। ये सक्सेस बहुत सारे लोगों को, मैं बता दूं, उनकी अवेकनिंग के बाद मिलेगी, वो जो एनलाइटमेंट होता है ना उसके बाद मिलेगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मैं बता दूं तो, हो सकता है हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप लोग यू नो हीलिंग सीखें, या फिर कुछ लोग यहाँ पे खुद ही हीलर बन सकते हैं इसी तरीके की, क्योंकि एक तरीके से मैं देखूँ तो बहुत सारे हीलर्स की जर्नी होती है कि खुद ही पहले ठोक पीट के यू नो प्रॉब्लम्स रही, मुश्किलें रही, यू नो काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जब खुद खुद को हील करना शुरू किया देन वो लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता गया। वैसे ही कुछ जर्नी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ यहाँ पे करियर वाइज भी देखा जाए तो स्ट्रगल आप लोग झेल रहे होंगे, परेशानी यहाँ पे होगी, राइट? मतलब ओवर थिंकिंग चलना, अगर देखा जाए तो हेल्थ भी सही नहीं चल रही है, रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है, करियर भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो बस जानना चाहते हो कि क्या लिखा है मेरी किस्मत में, क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, अच्छे दिन है भी हैं या फिर नहीं है, तो कुछ वैसा यहाँ पे आपकी एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अच्छे दिन डेफिनेटली आएंगे, सक्सेस ग्रोथ डेफिनेटली आएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या है ना कि आपका हायर एनर्जीज के साथ कनेक्शन हो रहा है भाई, वो हायर पावर्स के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, डिवाइन के साथ आपका यूनियन हो रहा है, एनलाइटन आप लोग हो रहे हो, जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप हील कर रहे हो अपने आप को, और वैसे वैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होती जा रही है। ये चीज़ यहाँ पर है। देखा जाए तो बहुत सारे बिट्रेल आप लोगों ने अपनी लाइफ में झेले होंगे, परेशानी रही होगी, काफ़ी ज़्यादा टफ एंडिंग से आप लोग गुजरे होंगे, लाइफ में ऐसे भी मोमेंट आए होंगे जहाँ पे आप बिल्कुल ही स्टक हो गए, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आगे कहाँ जाना है, कैसे करना है। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि प्लीज़ जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, डिवाइन को मानते हो ना, उनके ऊपर ट्रस्ट रखो भाई। ये विश्वास ही आपको यहाँ पर जीत दिलाएगा, ये विश्वास के साथ ही आप लोगों को वो ग्रोथ मिलेगी, वो सक्सेस मिलेगी, बस अपने अंदर के उस विश्वास को मत हिलने देना, ओके? और अगर बात करूँ यहाँ पे तो जजमेंट एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि देखो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे डाउट में हो, जहाँ पे फियर में हो, जहाँ पे परेशान हो, जहाँ पे ओवरथिंकिंग चल रही है, जहाँ पे इंसोमेनिया, रातों रातों नींद नहीं आ रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू नो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन जजमेंट की एनर्जी है जहाँ पे बिलीव है, जहाँ पे विश्वास है, जहाँ पे आप न्यू बिगनिंग्स के लिए, आप न्यू बर्थ के लिए तैयार हो, जहाँ पे आप प्रेयर कर रहे हो, जहाँ पे आप हील कर रहे हो, और आपको समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई थी पास्ट में गलत, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो क्यों थी, क्या रीज़न था, क्या नहीं था, यहाँ पे जो सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आएगी ना भाई, वो विजडम के साथ आएगी, वो बुद्धि के साथ आएगी, वो नॉलेज के साथ यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे दी हायरोफेंट की एनर्जी है, साथ में यहाँ पे दी सन की भी एनर्जी है, और जो सपने आप लोगों ने देखे हैं ना बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट, वो पूरे ज़रूर होंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ लोगों का सपना है बचपन में मुझे डॉक्टर बनना है, अब हो सकता है आप डॉक्टर तो ना बने, लेकिन डॉक्टर का काम होता है हील करना, तो आप हीलर बन जाएं, समझ रहे हो? बेसिकली आप कर तो क्या रहे हो, आप हील ही कर रहे हो लेकिन अलग वेरिएशन से, राइट? तो कुछ इस तरीके से आपके सपने पूरे होंगे, मतलब थोड़ा सा बदलाव होगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया है। इसके साथ में यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट ना आप दूसरों के ऊपर नहीं करें, आपको परेशानी ही होगी, आप दूसरों से ज़्यादा उम्मीद लगाओगे तो परेशानी ही होगी। अपने आप से उम्मीद करो, अपने ईश्वर से उम्मीद करो, बस ये चीज़ यहाँ पे। क्वीन ऑफ यू नो कप्स की एनर्जी देखो, जैसे कैसे जो लेडी है ना ये चैनलिंग कर रही है, ये हायर पावर्स को कॉल कर रही है, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रही है, ये हील कर रही है, तो हीलिंग से ही खुशियाँ आएंगी, इस बात की गांठ बांध लो, ऑप्शन फर्स्ट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ लोग चाहें तो वो रोते रहें, चाहें तो वो परेशान होते रहें, लेकिन आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, यू नो ग्रोथ, फर्टिलिटी, जो भी आप चाहते हो, वो तभी मिलेगी जब आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर जाओगे, हील करोगे। और साथ में आई डोंट नो, मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों का सोल पर्पस यहाँ पे दूसरों को हील करना भी हो सकता है, और आप लोग शायद उससे भाग रहे हो, आप लोग शायद उससे यू नो ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे करूँगी, मुझसे कैसे होगा,
कुछ ऐसी चीज़ है। तो डिनायल में नहीं जीना है भाई, अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे सुननी है। अगेन जैसे जैसे खुद को हील करोगे, मैं फिर से वही कहूँगी, वैसे वैसे आपने चीज़ें समझ में आते चले जाएंगी। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पे कह रही हैं कि भाई अपने पास से आगे बढ़ो, ओके? जो भी एंडिंग्स यहाँ पे हो चुकी हैं, जो भी खराब यहाँ पे हो चुका है, जो भी परेशानियाँ रही हैं, अभी उनसे आगे बढ़ो। लाइफ में वो शांति, वो सुकून जो है वो ज़रूर आएगा। आप लोग चाहें ऑप्शन फर्स्ट तो सेलेनाइट जो स्टोन है इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हर्ट शेप में भी है, ज़्यादा पीस नहीं है, 3-4 पीस ही हैं हर्ट शेप में। मेरे पास रफ़ में भी है, मेरे पास सेलेनाइट की प्लेट भी है, ठीक है? आप बोलोगे तो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो वो आप अपने लिए परचेस कर सकते हो। ये वाला जो स्टोन है ना भाई, ये आपको लेट गो करने में बहुत हेल्प करता है। आपके अंदर की कमियां हैं या शैडो साइड पे आप काम कर रहे हो, उसमें बहुत हेल्प करता है। ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को निकालने में आपकी बहुत हेल्प करता है और हायर पावर्स से कनेक्ट करता है। ये बहुत ही एकदम यू नो मिरेकुलस स्टोन है। बेसिकली मैं न्यू मून एंड फुल मून के पे इसके साथ मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलीजिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, वो मैं न्यू मून एंड फुल मून पे ही करना प्रेफर करती हूँ। लेकिन यू नो ऐसा नहीं है, एक वक्त था कि मैं डेली इसके साथ मेडिटेशन करती थी। तो आप लोग चाहें तो डेली अपने लिए सेलेनाइट को यूज़ कर सकते हैं, और ये ब्रेसलेट फॉर्म में नहीं, ये आप थोड़ा सा हैवी स्टोन ही लेना उसका, तो ही ये ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। और देखते हैं यहाँ पे, ये एडिशनल है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप चाहें तो यू नो नॉर्मली प्रेयर्स के थ्रू भी लेट को कर सकते हो। और देखते हैं, लेकिन लेट को करने से पहले ना ये जानना भी ज़रूरी है कि लेट को क्या करना है, राइट? तो पहले फाइंड आउट करो भाई, थोड़ा सा खुद को समझो, खुद को ढूंढो, ये यहाँ पर है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, यस, करियर रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को चल रही हैं। मैं रिसेंटली करियर रीडिंग भी करके चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर भी आप लोगों के लिए हों, ओके? हॉस्टिलिटीज, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान हो और डीमोटिवेट भी हो किसी तरीके से कि कुछ अच्छा नहीं होना है, सब ऐसे ही है, सब बेकार है। इवन आप रीडिंग्स को भी नेगलेक्ट कर दोगे ऐसी सिचुएशन में हो, ऐसे माइंडसेट में हो। यू नो कुछ लोग तो है, और यू नो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो कहते हैं कि आप पागल बना रहे हो ऐसे कैसे होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप ट्रस्ट रखो, ज़रूर होगा, और साथ में मैं रेमेडीज़ भी बता देती हूँ, तो बाद में वो लोग आके बोलते हैं कि यस ऐसा हुआ है प्रिया, और उस वक्त यू नो मुझे इतनी खुशी होती है, लाइक वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो मुझे होती है, वो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं किसी की लाइफ में पॉजिटिव ऐड कर पाई। हालांकि टैरो रीडिंग्स अभी ऑफ हैं, लेकिन आप चाहें तो जन्म कुंडली एनालिसिस अपने लिए ले सकते हैं। एट दिस एंड पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, और ये कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने आएंगे। प्लीज़ डोंट लूज योर होप, ओके? ये बहुत ही स्ट्रांगली जैसे आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं, और वो यही मैसेज आपको बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो क्यों निराश हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, हम हैं तुम्हारे साथ, हमने सोच रखा है तुम्हारे लिए कुछ अच्छा। तुम भरोसा रखो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ध्यान करना है, तुम्हें अपने मन को शांत करना है, तुम्हें अपने आप को हील करना है, तुम्हें नेचर के साथ कनेक्ट करना है, तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारे अंदर नॉलेज आ सके, विजडम आ सके। तो कुछ अच्छी किताबों को पढ़ने की हैबिट डालिए, राइट? ऑप्शन फर्स्ट। सो ये मैसेज है यहाँ पे, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। सो हाँ भाई, अभी तो कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ी सी मेहनत भी है यहाँ पे, तो फिर धीरे धीरे ये सिचुएशन भी जो है वो चल ही जाएगी। सबसे पहले अपने आप को इमोशनली हील करो, देन अपने करियर को हील। भाई यहाँ पे देखा जाए तो बहुत तरीके से प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज भी हैं। अभी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वर्स क्या है जिसको पहले हील करना है, तो एक एक करके हीलिंग होगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रिया कोई ऐसा क्रिस्टल दे दो, ऐसा ब्रेसलेट दे दो जिसमें सब हो जाए, तो नहीं होता भाई। कोई एक मर्ज है, कोई एक बीमारी है, तो उसकी एक दवाई दी जाती है ना, तो वैसे ही कोई अगर एक प्रॉब्लम है तो क्रिस्टल दिया जाता है, समटाइम एक से ज़्यादा भी दिया जाता है, डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या है, कितनी प्रॉब्लम है उस बिहाफ पे। तो पहले एक चीज़ को हील करो, फिर जैसे आपको लगे हाँ सुधार है, अच्छा हो रहा है, फिर दूसरी चीज़ के ऊपर जम करो। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रीकॉग्निशन,
साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर एंड विजन। भाई आप लोगों को तो पहले ही चीज़ें होने का पता लग जाता होगा। अगेन यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है या तो टैरो रीडर्स हों, या आगे जाके आप बनो, या किसी तरीके से न्यूमोलॉजी सीख रहे हो, या किसी तरीके से आप रून सीख रहे हो, या कुछ तो सीख रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। हाँ तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। प्रॉबेबली आप लोग हीलर हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी। नंबर 13 की यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं भाई, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि सॉर्ट करना ज़रूरी है, कुछ कार्मिक है यहाँ पे जिसको कि क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, अपनी साइकिक एबिलिटी को एनहेंस करो। और अगेन यहाँ पे कुछ लोग को विजन्स आते होंगे, आप लोग को सपने में हो सकता है कुछ चीज़ें दिख जाती हों, आपको कुछ चीज़ें फील हो जाती हों। अपनी इन चीज़ ये चीज़ें जो हैं वो आपकी तभी एनहेंस होंगे जब आप मेडिटेशन करोगे, अदरवाइज से कभी कभी ना ये भटका भी देती हैं। तो आपके लिए भाई ध्यान करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि डेली खाना खाना ज़रूरी है, अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है। समझ रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट इसी से उद्धार होना है भाई। ठीक है, मान लो तो ठीक है, नहीं तो फिर चल ही रहा है जैसे चल रहा है ना, बस वो चीज़ें हैं। अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी। भाई देख लो, अभी तो शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मान नहीं रहे थे, यू नो यहाँ पे थोड़े से ज़िद्दी लोग थे इस रीडिंग में, मान नहीं रहे थे प्रिया ऐसा नहीं होगा। इवन वो कमेंट करके भी कहते कि भाई मैं ऐसे देख रही हूँ रीडिंग, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। होगा तब जब आप एक्शन भी लोगे। भाई टैरो रीडिंग कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करता है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। टैरो आपने गाइडेंस देता है, गाइडेंस को फॉलो करोगे तो ज़रूर होगा, अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है। सो यहाँ पे अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आएगी, माँ लक्ष्मी की यहाँ पे एनर्जी है। सो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करिए, ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। एक और कार्ड देख लेते हैं। डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। मैंने कहा कुछ कार्मिक है यहाँ पर, जिसको हील कर लोगे तो फिर वो हील करना ही पड़ेगा भाई। कुछ कार्मिक क्लियरेंस है यहाँ पे। होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग ज़रूर करना। कार्मिक हील करना है कुछ भी तो आई थिंक इससे ज़्यादा सिंपल एंड बेस्ट कुछ नहीं है। आप 5 मिनट इस प्रेयर को डेली कर लीजिए, विदाउट यू नो डिले, विदाउट एनी यू नो लीव, आपने रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन हीलिंग में वर्क चीज़ें वर्क तब करती हैं जब आप किसी चीज़ को ना प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हो, ये नहीं एक दिन करके छोड़ दिया। जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तब वो चीज़ आपको रिजल्ट देती है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है लास्ट आप लोगों के लिए। एक और कार्ड देखूंगी मैं कि क्या ब्लेसिंग आ रही हैं दूसरी डेक से। अनबाउंड रिलीज सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। भाई जो भी आप लोगों ने, आपको क्लियर कट बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ का आपका कर्मा था जो आप रिजॉल्व कर रहे हो बहुत टाइम से। होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस प्रेयर को आप लोग अपने लिए ज़रूर करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी आप उन यू नो बंधनों से छूट रहे हो, ये लास्ट एक स्टेज चल रही है, ये आखिरी पड़ाव है जैसे। ट्रस्ट दी निगल, व्हाट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी गट फीलिंग की सुनो, ये मैसेज यहाँ पे है। अगेन मैं आपको बता दूँ, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप परेशानी होते रहेंगे ना, हाय मेरी जीवन ऐसा है, हाय मेरे साथ ये वो, तो फिर आप वो नहीं सुन पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके लास्ट देख लेती हूँ यहाँ से कि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना डिटर्मिनेशन के साथ यू नो आप अपना काम करोगे, जितनी स्ट्रांग अपनी विल पावर रखोगे और नहीं मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे खुश होना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, और जितना डेडिकेटेड होकर आप यू नो उस पर काम करोगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने रोज़ को आज का स्पेयर चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं,
क्या कुछ गाइडेंस है आप लोग के लिए, एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से? सो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन टू. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू. Ace of Swords. भाई ऑप्शन जो आप लोगों के लिए पहला मैसेज जो मिल रहा है वो ये कि बहुत सारी ना जैसे होता है ना किसी इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर है. टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स. ओके मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको एक साथ बताती हूँ. The Emperor, the Empress, Seven of Swords and Five of Cups. What of the deck is the Star? मैं दो कार्ड और लेना चाहूंगी यहाँ पे. ओके सो ऑप्शन टू यहाँ पर अगर बात करूँ कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भाई. ऑप्शन टू इस लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, अपनी फैमिली को संभालना है. लाइक आप वो कड़ी रहने वाले हो ना जो अपनी फैमिली को या तो प्रोवाइड कर रहे हो, आप संभाल रहे हो, सबको एक धागे में जैसे पिरो के बैठे हो. तो बहुत सारे यहाँ पर मैं देखूँ तो सेक्रीफाइसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं. खुशियाँ भी मिलेंगी आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि खुशियाँ नहीं मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी, वो प्यार मिलेगा, वो रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत मिलेगी. लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ सेक्रीफाइस भी हैं. और ऐसा ही होता है ना, जब हमें बहुत सारे लोग हम कोशिश करते हैं कि हम सबको खुश रख पाएँ तो हमें बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, हमें अपना कई बार मन मानना पड़ता है. तो वही एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए भी आ रही हैं. फिलहाल अगर बात करूँ कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी आप लोगों की लाइफ में, कुछ लॉसेस हो गए, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ कोर्ट केसेस हो गए, कुछ चीज़ों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है. लेकिन बहुत जल्दी ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी. क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स ना क्लैरिटी के बारे में भी बताता है, एस ऑफ सॉर्ड्स डिसीज़न के बारे में भी बताता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में लेने वाले हो. यू नो मुझे यहाँ पे सिंपली जैसे कोई पेपर पे साइन करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है. तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं. इसके साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि मैनिफेस्ट करते रहो अपने ना गोल्स को. लिखना ज़रूर यू नो आप लोग कंसीडर करना, लाइक अपने वन मंथ के गोल लिखे, आपने अपने सिक्स मंथ का गोल लिखा, आपने अपना पूरे साल का गोल लिखा कि आपने क्या कितने टाइम में अचीव करना है, और उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते जाना. आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे बिजी रहने वाले टाइप लोग होंगे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, जैसे घर भी मैनेज कर रहे हो, ऑफिस भी मैनेज कर रहे हो, और भी अदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी भी कुछ पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम चल रही हैं. तो बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रेंथ होना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ यहाँ पे इतनी एनर्जी आप लोग को चाहिए तो उसके लिए एनर्जी आपने कलेक्ट भी करनी पड़ेगी. तो वो एनर्जी आप चाहें तो किसी मंत्र का जाप करें, आप ध्यान करें, आप थोड़ा सा नेचर में वॉक करें, यू नो सुबह सुबह, तो आपको क्या होगा ना कि आपके पूरे दिन के लिए वो इनफ एनर्जी मिल जाएगी. ठीक है, अपने लिए दिन में 15-20 मिनट आधा घंटा ऐसा ज़रूर निकाल लें जहाँ पे आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप लोग ध्यान कर रहे हो, या आप मैनिफेस्टेशन की कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने लिए वो टाइम दे रहे हो, अपने आप को वो टाइम दे रहे हो. क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते होंगे, दूसरों के लिए करते रहते होंगे और अपने लिए टाइम नहीं निकालते होंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन जो कहा जा रहा है कि अपने लिए टाइम निकालना सीखिए. दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा ना लोगों के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट मत करा करिए. ठीक है,
अदरवाइज से आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। सब लोग अच्छी इंटेंशन से आप लोग की लाइफ में नहीं आते हैं। आप लोग चाहें अपने लिए तो एमिथिस्ट, आज मैंने वेयर कर रखा है, एमिथिस्ट को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। एमिथिस्ट होता है ना, ये आपने सही डिसीजन लेने में मदद करता है, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रांग करता है। तो अलग अगर ना कोई इंसान आपके पास अच्छी एनर्जीज के साथ नहीं आता है तो आप पहले ही समझ जाते हो कि इसके इंटेंशन क्या है। तो एमिथिस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई, आप लोग चाहो तो गूगल करके आप पढ़ लो, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। और एमिथिस्ट के साथ आप लोग काम करो, ये है एमिथिस्ट, इसके साथ मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मंत्र जाप करो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी होंगी, आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे, चूज़ कर पाओगे क्या सही है क्या गलत है। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, यू नो, सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज आप बहुत ज़्यादा मुझे बताना ऑप्शन टू, आप लोग ड्रेन फील करते होंगे, थका हुआ फील करते होंगे, यू नो, वीक में एक दो दिन ही आपके ऐसे जाते होंगे कि काम करने का मन नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कभी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कभी मसल्स में पेन हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जितनी एनर्जीज आ नहीं रही हैं उससे ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हो, और इस चीज़ का बहुत सारे लोग ध्यान देते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे एनर्जी गिव एंड टेक में इक्वल बैलेंस होना चाहिए आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने कहा है कि अपने लिए आधा पौना घंटा डेली ज़रूर निकालें, जहाँ पे आप कुछ एफर्मेशंस दे रहे हो, जहाँ पे आप ध्यान कर रहे हो, जहाँ पे आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ये चीज़ें आपने अपने डेली बेसिस पर रूटीन में रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे दी एम्परर एंड दी एम्प्रेस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं भाई आप लोग अपनी डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में जो पर्सन लिखा है आप लोग उससे मिलने वाले हो। अगर जो लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं तो उनके लिए है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और आप कहीं ना एक नेक्स्ट लेवल पे जाना, एक नेक्स्ट स्टेज पे जाना अपने रिलेशनशिप में कंसीडर कर सकते हो। लाइक सिंगल हो तो शादी के लिए, शादी हो गई है तो प्रेगनेंसी के लिए, या अपने लिए घर लेना है तो साथ में मिलके कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हो। आपके जो भी पर्सन जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा भाई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर जगह चलती हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ग्रोथ में यहाँ पे हेल्प करोगे, एक दूसरे को समझाओगे, एक दूसरे को समझोगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एंड ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ना, मतलब आपस में जो डील करने का तरीका हो वो लविंग टविंग ही हो। कभी कभी कुछ होता है ना कि हार्श वर्ड एकदम से बोल दिए और वो चुप गए दिल को जाके, लेकिन अभी आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ रहेगा भाई, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ है ऑप्शन टू। गॉडेस ऑफ द मून, एंजाइटी एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो ऑप्शन टू यहाँ पे, यू नो, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, और ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, खुद को इमोशनली बैलेंस में रखो, अपनी मेंटल पीस का ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखो, अपने लिए समय निकालो, अपनी केयर करो, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखो। अदरवाइज से फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी, अगर आप अभी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आगे जाके ऐसा होता है, फिर एकदम से कोई हेल्थ इशू होता है, फिर कुछ भी नहीं कर पाते, फिर इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसी प्रॉब्लम को बढ़ने मत दो, बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर है। एंजाइटी का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है, और थोड़ी बहुत एंजाइटीज आप लोगों को रह सकती है भाई, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना, अपने लिए टाइम निकालोगे, थोड़ी देर वर्कआउट कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो, तो उससे बहुत हद तक ये जो प्रॉब्लम है वो रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो यही पोर्टल कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ओपन हो रहा है यहाँ पे, हीलिंग एंड हैप्पीनेस का। अपनी, दूसरों के साथ साथ अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना है, खुद को हील भी करना है, फिर चाहे वो कोई हेल्थ इशू हो या फिर वो कोई इमोशनल ब्लॉकेज हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है ऑप्शन टू। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन टू।
ओके सो यहाँ पे है हीलिंग अर्थ, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। मैंने कहा अभी आपसे आपने कि गिव एंड रिसीव में यू नो बैलेंस होना चाहिए, गिव एंड टेक में बैलेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली वही मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। जितनी एनर्जी आनी रही है उतनी जा रही है। आप ये चीज़ को आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिएगा ऑप्शन टू, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सिनेरियोस थोड़े थोड़े सबके अलग रह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप लोग कहीं ना कहीं यू नो अर्थ हीलर भी हो। लाइक आपने जैसे मैंने कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत सबका ख्याल रख रहे हो, सबकी हेल्प कर रहे हो। मतलब दूसरों की लाइफ में अगर मुश्किल है ना तो आप नहीं देख पाओगे, आपने सबकी मदद करनी है, फिर चाहे आपने कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती होगी, तो वो चीज़ यहाँ पर है। लेकिन मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हेल्प कर रहे हो ना, जो हील कर रहे हो, इस तरीके से करो कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं जाए और वो हेल्प भी हो जाए। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। थोड़ा चीज़ों को समझो। ब्रिलियंट बिलीव्स, ल्यूमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाओ, इंक्रीज करो। अगर आपके पास एनर्जी होगी, अगर आपके पास स्ट्रेंथ होगी, तब दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। ये इंडियन हाउसवाइफ के साथ अक्सर होता है। हमारे जैसे मम्मी वगैरह के एज के लोग होते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। इतनी ज़्यादा वो मदरली, इतनी ज़्यादा वो फैमिलिन एनर्जी होती है, मैस्कुलिन कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। तो जब आप अपना ही ख्याल नहीं रखोगे तो फिर आप दूसरों का कैसे रख पाओगे, राइट? तो अपना ख्याल रखना भी आप लोग को बहुत ज़रूरी है। ल्यूमिनस लाइफ फोर्स, तो अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना है भाई, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। और इसके लिए आप डेली बेसिस पे प्राणायाम, आप कहोगे प्रिया तुम तो बताए जा रहे हो, बट ये ज़रूरी है भाई। अपने अगर अपने लिए ही टाइम नहीं निकालोगे तो फिर क्या ही फायदा ना। तो अपनी डेली बेसिस पे प्राणायाम ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? जो भी आप सीखे हों, जो भी आपको आते हों, उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। योगा आप कर रहे हो तो इससे प्राण शक्ति बढ़ती है, ठीक है? ऐसे ही नहीं है, रिसर्च भी प्रूव कर चुकी हैं। बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फॉर्म। तो बैलेंस होना भाई लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिव एंड टेक में बैलेंस होना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस होना, एनर्जीज़ का बैलेंस होना। सो बैलेंस करने के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है, समझना है। और कभी भी ऐसा मत करा करो कि मैं कैसे करूँगी, पैनिक हो गए, परेशान हो गए। जस्ट डीप ब्रीदिंग करो और खुद से बोलो मैं कर सकती हूँ, मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ। कभी कभी वर्क प्रेशर आप लोगों के ऊपर ज़्यादा हो गया, पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, खुश रहना है और खुशी के साथ साथ ही आप लोगों ने काम करना है। बहुत आगे जाओगे ऑप्शन टू, मैं पहले ही बता दूँ, बहुत कुछ अचीव भी करोगे, राइट? और देखते हैं यहाँ से। ट्रस्ट द निगल, वट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था और ये मैसेज ये है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहना चाहती है, आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहना चाहती है, और फिर वैसे ही काम करिए। समटाइम ऑप्शन टू आप लोग के लिए ये भी आ रहा है कि आप लोग को ना कहना भी सीखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप ना कहना नहीं सीखोगे ना, आपकी बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट होती रहेगी, टाइम वेस्ट होता रहेगा, एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। तो सही तरीके से अपने अपने शेड्यूल को मैनेज करना है, अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है। थोड़ा सा काम दूसरों को देना भी सीखिए, दूसरों की हेल्प लेना भी यहाँ पे सीखिए। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। और अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, काम करना है। और इसीलिए ही मैंने आपको एमेथिस्ट सजेस्ट किया था, क्योंकि वो इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इमराना, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। ओके सो ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज ये दे रहे हैं भाई कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन आपको कहती होगी, फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रिया है, प्रिया तुम्हें ये करना है, प्रिया तुझे यहाँ जाना है, तुझे ये इस तरीके से मैनेज करना है। लेकिन आप बस अपने ही उसी मतलब डेली रूटीन को, अरे नहीं मतलब सुन ही नहीं रहे हो इंट्यूशन की। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग की लाइफ जर्नी अब कुछ और है,
अब अलग पैटर्न पे काम करना है, अब अलग तरीके से काम करना है। सब वो एक दूसरे पाथ को फॉलो करिए। अभी तक जैसे चल रहा था वो ठीक है, लेकिन अभी एक नए रास्ते को फॉलो करने का वक्त आ गया है। अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने हैं, अपनी जॉब में कुछ चेंजेस करने हैं, अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस करना है, जिससे कम एनर्जी में ज़्यादा काम हो सके। आई डोंट नो ये मैसेज बार बार ही क्यों मिल रहा है, लेकिन यही मेन इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन टू, सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। वेरी नाइस। सो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि जो भी आप प्रेयर कर रहे हो ना, ईश्वर उन्हें सुन रहे हैं, भगवान जी उन्हें सुन रहे हैं। और अपनी प्रेयर्स को ना एफर्मेशन फॉर्म में आप लोग करें, ठीक है? थैंक यू भगवान जी, मैं बहुत लकी हूँ। थैंक यू भगवान जी, मेरा ये काम हो गया है। थैंक यू भगवान जी, मेरी मंथली इनकम इतनी है। थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अपनी एफर्मेशंस बनाइए और उस वे में आप प्रेयर को करिए। थैंक यू मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे हीलिंग देने के लिए, थैंक यू सो मच। यू नो, कुछ इस तरीके से आप अपनी प्रेयर्स को लिखें और डेली बेसिस पे उनको अफर्म करें, मंत्र चैंटिंग करें। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, और अपने नोट्स बना लेना ऑप्शन टू उस रीडिंग के। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, पॉइंट्स में लिख लेना, क्योंकि ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग के तरीके से है। ये मैसेजेस जो यहाँ पे मिले हैं ना, पर्सनल मैसेजेस के तरीके से मिले हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी है, इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, ऑप्शन टू। सो भाई ये है रीडिंग, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।